Good morning. तो जी आज की सहूर जो है वो बिल्कुल सिंपल सी है. हमारे पास है जी ये पोरेज और ये हैं जी ब्रेड्स एंड दैट्स इट. कल मैं कुरान पाक नहीं पढ़ पाई क्योंकि हम लोग बाहर चले गए थे और आज मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ पारा नंबर 8 लाइक जुज़ नंबर 8 और उसके बाद इंशाल्लाह इवनिंग में पढ़ूंगी या फिर आफ्टरनून में जुज़ नंबर 9. सो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है बोलो अन्नाना से. So alhamdulillah I am done with juice 8. Sen is sleeping, so I'm speaking slow. Ardi, good morning. Good morning. Mano, good morning. Good morning, Mano. Good morning, good morning, good morning. It's almost 6 and I'm also going to sleep. I know. Good morning. So today I'm going to wear this beautiful outfit. So let's study for 3 hours. और ये जो ऐप है ये है forest plant. So alhamdulillah I am done with 3 hours. Ab zohr ki namaz padhti hu. Okay, so I'm going to recite juz 9 kyunki jo morning mein maine juz 8 recite kiya tha wo to kal wala kyunki kal main nahi kar saki thi to wo maine kal ka makeup kiya tha ki main aaj jo hai wo juz 8 kar leti hu. So today I'm going to recite juz 9. अल्हम्दुलिल्लाह डन विद जूस 9 और कल से मैंने स्टार्ट करना है वालमू लाइक जूस 10. और जैन का जो है वो कैमरा वगैरह सेट है और यहाँ पर इनका टेस्ट हो रहा है. लिली मानो यार जैन का थीसिस चल रहा है तो इनकी मीटिंग हो रही थी अपने प्रोफेसर के साथ और पूरे 6 आवर्स तक मैं अपने स्टडी रूम में बंद थी कैद. और अब आई थिंक इट्स लाइक 4:45. अब जैन का जो है वो सब कुछ मीटिंग वगैरह इनकी फिनिश हुई है तकरीबन 6.5 आवर्स के बाद. और अब हम लोग जो है वो इफ्तार के लिए कुछ बनाने लगे हैं. मैं बना रही हूँ हनी कॉम ब्रेड और जैन बना रहे हैं पिज्ज़ा और साथ में मैं बना रही हूँ सैलेड. ठीक है. और ड्रिंक में डू वी हैव मैंगोज? यस वी हैव. ओके, अगर मैंगोज हैं तो हम लोग बनाएंगे मैंगो शेक. सो लेट्स गो. तो हम लोगों ने अभी अभी चेक किया है हमारे घर जो है वो कोरिएंडर बिल्कुल नहीं है और बनाना भी खत्म हो गए. ओह ओके. और जैन जो है इनकी अभी मीटिंग हुई है और वो बहुत लॉन्ग मीटिंग थी तो आई एम श्योर कि जैन जो है वो बहुत टायर्ड है. इफ यू स्टिल वांट टू गो प्लीज गो. आई एम सो टायर्ड.
रियली वीकेंड्स पर इसी तरह ही होता है यार, स्पेशली सैटरडे को प्रोफेसर सारे वीक के अपडेट्स लेते हैं. या तो फिर ओके हमारा मिल्क भी हो गया है, तो इसलिए मैं जो हूँ वो भाग कर जाऊंगी ऐसे करके, और ऐसे करके आऊंगी कोरिएंडर एंड बनानास लेकर. राइट, ओनली टू थिंग्स, राइट? ओके, सो टू थिंग्स. लेकिन उससे पहले पहले मैंने सोचा कि यार जो ब्रेड, जो मैं ब्रेड बना रही हूँ ना, उसके सारे का सारा उसका सामान रेडी कर जाती हूँ. तो यहाँ पर मैंने मिल्क जो है इसको गर्म किया है. वैसे आपको वार्म मिल्क चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं. तो इसके अंदर आपको चाहिए 1.5 टेबल स्पून शुगर. इसको आपने मिक्स कर लेना है. तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, मैंने बस एक चॉपस्टिक ही ले लिया मिक्स करने के लिए. तो मिक्स करना है आपने अच्छे से. उसके बाद आपने क्या करना है, एक ड्राई यीस्ट का जो है वो पैकेट ले लेना है, इंस्टेंट ड्राई यीस्ट. इसको मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ. इसको फिर से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको कवर कर देना है फॉर 5 to 6 मिनट. आपने जो ये वाले 2 कप्स है ना, ये आपने ले लेने हैं ऑल पर्पस फ्लावर. लिली, लिली, लुक एट हियर, लिली, मानो. तो ये देखिए, ये आपका फ्रॉथी सा मिक्सचर जो है वो बन गया. अब इसके अंदर आपने बिल्कुल 2 पिंच या 1 पिंच जो है वो सॉल्ट ऐड करना है. ये देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल छोटू सा ये टीस्पून मैं इसको बस ऐड करने लगी हूँ. अच्छा, ऑल पर्पज़ फ्लावर जो है इसको मिक्स करने का जो है सबसे बेस्ट वे ये है कि आप इसके अंदर ग्रेजुअली मिक्स करते जाएं. जब आपको लगे कि अब कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छी हो चुकी है इसकी, आपको ना ज़्यादा थिक चाहिए ना ही ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट सा चाहिए लंपी सा, तो आपने जो है ना वो इसके अंदर ग्रेजुअली ऐड करना है. मैं मशीन को सेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ. मैं इसमें इसको ऐड कर रही हूँ. अच्छा, ये है जी 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर. आपने उसके बाद इसके अंदर ये बैटर के अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है? अगर आपको लगे कि फ्लावर जो है वो थोड़ा कम है, आप फिर दोबारा भी ऐड कर सकते हैं. अब इसको दोबारा से मिक्स करते हैं. ये देखें, ये है जी इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है? ना तो ये ज्यादा थिक है, ना ही ये ज्यादा कोई बिल्कुल थिन सा है, रनी भी नहीं है. देखिए इसको, अब इसको हमने जल्दी से कवर करके रख देना है. ये देखिए जी, ऑल सेट. अब इसको मैं जल्दी से कवर करके रख देती हूँ और भाग के कोरिएंडर लेकर आती हूँ. एक तो यार ये जो मेरी मानो है ना, ये सारा दिन खेलती रहती हैं और ये देखिए कुछ ना कुछ खराब कर देती हैं. ये देखें, अब मैं जल्दी से जाती हूँ, जैकेट वेयर करती हूँ और कोरिएंडर लेकर आती हूँ. लेट्स गो. तो ये देखिए, मैंने जैकेट वेयर कर लिया है और हम जाते हैं. जो है इनको मैंने बोला है मुझे सैलड बनाना है, उसके लिए कुछ चीजें उनको अच्छे से वॉश करके रख दे ताकि मैं जल्दी से आऊँ, उन्हें कट करूँ और सैलड बनाऊँ और साथ ही ब्रेड भी बनाऊँ. जैन जो है वो आज बनाएंगे पिज्जा. कल सर्दी नहीं थी लेकिन आज यहाँ पर फिर सर्दी हो रही है. माशाल्लाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल. लुक एट दिस ग्रीनरी एंड द स्काई. माशाल्लाह माशाल्लाह. आपको पता है ये वाले जो फ्लावर्स लगे हुए ना यहाँ पर लाइट पर्पल वाले, इनमें से इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आती है ना यार, इसकी वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी में माशाल्लाह इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती. तो मैंने कार्ट ले लिया है, अब इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जो बैग में साथ लेकर आई हूँ. मैं सोचती हूँ कि जैन होते तो वो कौन से बनानास लेते. आई थिंक दिस वन, बिकॉज दे आर लुकिंग फ्रेश. सो लेट्स बाय दिस. ओह, बेबी टर्निप्स, क्यूट. यहाँ से मैंने ले लिया ये शॉपिंग बैग. हेलो, हाय. वाओ, इधर और भी हैं. हेलो, हे. तो हम लेने लगे हैं यहाँ से कोरिएंडर. आपको पता है अगर आपने यहाँ पर फ़िश लेनी है ना, वो देखिए, तो आप यहाँ से अपनी पसंद की फ़िश ले सकते हैं और फ़िश लेने के बाद आप वहाँ पर जाएंगे और ये उसी टाइम में आपको दे देंगे, मतलब बिल्कुल फ्रेश फ़िश आपकी आंखों के सामने. मैंने इसके ऊपर अभी प्राइस टैग लगवाना है और मैंगोज लेने हैं. वाओ, बिटर गॉर्ड. इनको देख के मुझे मेरी मम्मा की कुकिंग याद आ गई है, वो इनको भर कर बनाया करती थी, बहुत टेस्टी. मैं ये वाले मैंगोज भी ले लेती हूँ
अब इन सारी चीज़ों का जब मैं बिल बनाती हूँ, काउंटर पर बिल बनवाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं और अब जा रही हूँ घर वापस, उसके बाद जाकर बनाते हैं अपनी हनी कॉम ब्रेड। मैंगोज, कोरिएंडर एंड बनानास, देयर यू गो। तो ये देखिए जी, ब्रेड जो है वो डबल, सॉरी फ्लावर जो है वो डबल साइज का हो चुका है। इसको भी हम पंच करते हैं, ठीक ठीक। इसकी जो है वो मैं अभी बॉल्स बनाती हूँ, मतलब एक शेप बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैं इस तरह से बॉल्स जो है वो बना के इसको बिल्कुल साथ साथ रखे जा रही हूँ, ठीक है। आपने ऐसे लेना है, बॉल बनानी है और बना के किसी भी साइज की बने, डजंट मैटर, आपने इसके साथ रख देनी है। तो ये देखिए जी, ये शेप में कुछ इस तरह से बन जाएंगी। अब आपने क्या करना है, एक एग लेना है और एग को अच्छे से जो है ना वो आपने ब्लेंड कर लेना है। एग को जो है वो आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। सो स्वीट ऑफ यू हनी। ये देखिए जैन ने जो है, मैंने इनको जस्ट वॉश करने का बोला था और माशाल्लाह माशाल्लाह जैन ने जो है वो सारी चीजों को कट भी कर दिया, तो मुझे नहीं कट करना पड़ेगा। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट टिप वो ये कि जब आप इसकी शेप बना लेना तो आपने इसको 10 मिनट्स के लिए रख देना है। अब देखिए ये बिल्कुल जो इसकी गैप्स थे ना वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब आपने जो एग ब्लेंड किया था ना, आपने इसको लेना है, ठीक है, और इसको जो है वो इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देना है ब्रश की हेल्प से, ठीक है। ये देखिए, अब इसका रिव्यू तो मैं जैन से लूंगी कि ये कैसी बनती है। आई होप कि जैन को बहुत अच्छी लगेगी। अब आपने क्या करना है, सेसमे सीड्स जो है वो आपने ले लेने हैं और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं, ठीक है। इसको मैंने 5 to 10 मिनट्स जो है वो प्री हीट किया है। अब इसको जो है वो हम ओवन के अंदर रख देते हैं। ये देखिए जी, हम इसका वेट करेंगे जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। इसमें 12 मिनट्स भी लग सकते हैं, 15 भी, 20 भी, जिस तरह से आपका माइक्रोवेव ओवन होगा। और उसका हम इसको निकाल लेंगे। तो जो अब ये सैलेड है ना, इसके अंदर मैं कैन पाइनएप्पल के बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस करके वो ऐड करती हूँ और चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और बन गया जी आपका सैलेड। सिंपल, इजी एंड सुपर हेल्दी। कटिंग बोर्ड जो है वो जैन यूज कर रहे हैं, सो आई एम यूजिंग my natural hands as a cutting board or tool. अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़ा सा कर लें या बहुत सारा कर लें, जैसे आपका दिल चाहता है। इसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स करना है आपने और ये आपका बिल्कुल रेडी है। और अब जो है वो मैं मैंगो शेक बनाने लगी हूँ, तो एक मैंगो जो है उसको कट कर लिया, जल्दी से मैंगो शेक बना लेती हूँ। ये देखिए मैंगो को जो है मैंने बड़े आराम से कट कर लिया है। ये देखिए ब्रेड जो है वो हमारी हो चुकी है। प्रोटेक्शन के लिए आपने जो है वो ग्लव्स लाजमी यूज करने हैं। वाओ, लुक एट दिस, अमेजिंग यार, कितनी मजे की और कितनी प्यारी लग रही है। अभी तो इसको टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। ये बनी है हमारी इतने मजे की हनी कॉम ब्रेड। जैन से लूंगी इसका मैं रिव्यू और फिर आपको बताऊंगी। ये देखिए जी, ये ऊपर से इतनी क्रंची सी है और नीचे से इतनी सॉफ्ट है, तो अभी जब जैन टेस्ट करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसी बनी है। तो मैं अभी हेल्प करा रही हूँ जैन की पिज्जा बनाने में, टाइम कम है और हम बनाते हैं पिज्जा। पिज्जे के लिए आपको याद है जो शॉर्मे वाला चिकन था, हम लोग वो यूज कर रहे हैं। मैं पिज्जा डो लेती हूँ, हमारी पिज्जा डो मैं ले आई हूँ जी, पिज्जा सॉस एंड मिक्स वेजिटेबल्स। अब हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करते हैं वेजिटेबल्स भी, चिकन भी, और जल्दी से पिज्जा रख देते हैं। शिमला मिर्च भी कट कर दी है, ऑलिव लेकर आती हूँ। यहाँ पर जैन जो है वो चिकन ऐड कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे शिमला मिर्च एंड ओरिगैनो। अब देखिए इसके अंदर चिकन भी है और वेजिटेबल्स भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड वेजिटेबल्स एंड चिकन पिज्जा, हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी लगता है। फाइनल स्टेप, यार हमारा मैंगो शेक का प्लान जो है वो कैंसिल हो गया है। जैन कह रहे हैं इनको बनाना शेक पीना है, इसके अंदर मैंने बनाना ऐड किया है, शुगर ऐड किया है और अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कोको पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह, देखिए आज तो इतनी सारी चीजें हो गई है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी, लेकिन माशाल्लाह से देखिए।
तो अभी जो है वो बिल्कुल रोजे का टाइम होने वाला है, 1 मिनट रहता है. हनी रेडी? सो रेडी. ओके, तो सबसे पहले जो है वो जैन रोजा इफ्तार कर लिया है, और इफ्तार करने के बाद देखिए कितनी सॉफ्ट है. नहीं दिखाइए कितनी सॉफ्ट है ये. यूं कर कर दिखाता हूं. ओके, वाह, ये देखिए. हनी इसको ट्राई करें, मुझे बताएं जल्दी से कि कैसी है. कैसी है? सो कूल यार, इतनी डिलीशियस. ओ माय गॉड, रियली पिंकी पनोमिच. वाओ, जैन तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो मैं भी जल्दी से इसको ट्राई करती हूँ. और जैन कह रहे हैं कि शेक भी बहुत मजे का बना है, कोको पाउडर डालकर इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो गया है. आज तो मुझे इग्नोर कर रही है, पता नहीं क्यों. लिली, ये देखिए, मतलब अपने ईयर से जो है ना ये मुझे रिएक्शन दे रही है, लेकिन इग्नोर कर रही है. लिली मानो अभी आंटी को देखेगा. आंटी, आंटी कम हियर, आंटी कम हियर, कम हियर माय बिल्लू, कम हियर माय बिल्लू, कम हियर माय बेबी. आंटी सबसे पहला बिल्लू है, आंटी सबसे पहला बिल्लू है. आज इनको थर्ड डे है, तो आज भी ये बिल्कुल फ्रेश है माशाल्लाह. यार कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, राइट? क्या दिस, इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया था और वाटर, सॉल्ट शुगर एंड वाटर, और मैं इसको डेली जो है ना वो थोड़ा सा मिक्स भी कर देती हूँ ऐसे. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप इट मेड यू स्माइल. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. मिलती हूँ आपसे अपने कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक, एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव. बाय.